मोदी वॉशिंग पाउडर, जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, 8552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी, कितना ही पुराना दाग हो। वैसे ये 10 साल पुराने दाग धोने में बड़ी एक्सपर्ट मानी। ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता। इस देश की राजनीति का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के सीएजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश की एजेंसीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है। धन्यवाद साथियों। आज ये एक बड़ी रोचक प्रेस वार्ता है आपके सामने। आपके सामने एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके विषय में हमारे साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं, चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता, लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं। घबराइएगा मत सुनकर, 8552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए, काम आएगी, कितना ही पुराना दाग हो। वैसे ये 10 साल पुराने दाग धोने में बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है, 2014 से पहले के जितने दाग हो। ना केवल ये तेजी से सफाई करती है, आप बहुत हैरान होंगे जानकर इसमें एक स्पिन का बटन भी है, स्पिन। वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल। जो कल तक घोटालेबाज था आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है स्लो बटन, आप देखिएगा ध्यान से। स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब, सब ठीक हो जाएगा, वो हां सोच रहा हूं कहेगा तो स्लो बटन में चला जाएगा, तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी, फाइल कहीं नीचे ईडी के ऑफिस में या सीबीआई के ऑफिस में कहीं नीचे चली जाएगी। ये इस मशीन का चमत्कार है, ये इस मशीन का जादू है, इसीलिए इसको जादुई मशीन कहा जाता है। फिर जब तक इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है पहले, देखिए इस पे जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं, अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है, वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है, भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है, अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया जी, अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला,
नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट है। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। आज की प्रेस वार्ता से पहले एक खबर छपी कि श्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। आज से कुछ महीनों पहले प्रफुल्ल पटेल जी ने एनसीपी को तोड़ा, भाजपा के इस वॉशिंग मशीन के गठबंधन में शामिल हुए, इस वॉशिंग मशीन के अंदर गए और बाहर यूं निकल कर आ गए। ये प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हुआ। ऐसे 21 उदाहरण हैं, अभी आपको मैं प्रेस रिलीज में दे रहा हूं, 21 उदाहरण। हिमंता बिस्वा शर्मा है उसमें, नारायण राणे हैं उसमें, अजीत पवार हैं उसमें, हसन मुशरिफ हैं उसमें, छगन भुजबल हैं उसमें, अब अशोक चव्हाण जी भी उसमें। और आपको मैं एक एनेक्सर दिखाऊंगा, ये भाजपा ने आरोप प्रफुल्ल पटेल पर लगाए थे, ये देखिए। ये क्या आरोप थे? ये आरोप थे कि एयर इंडिया को लीज पर हवाई जहाज लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी ने, मंत्री जी ने जबरदस्ती फाइल मूव की और लीज पर, पट्टे पर हवाई जहाज लिए, जिससे 3,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ और वो पैसा आरोप लगाया गया कि हमें मिला यूपीए की सरकार में। हमने उस वक्त सीएजी, क्या नाम है उनका, आजकल तो सीएजी के नाम भी लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन उस वक्त के सीएजी का नाम तो सबको याद है, विनोद राय हुआ करते, कठपुतली थे, डोर जिसके हाथ में थी आज वो सत्ता में है। तो सीएजी ने अनाप शनाप लंबी चौड़ी उसमें टिप्पणियां की, आप लोगों ने खूब चलाई वो टिप्पणियां, और उन सब रिपोर्ट्स का लाभ लेते हुए आज नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर सवार होकर बैठे। या तो प्रफुल्ल पटेल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, और अगर नहीं किया तो यह आरोप झूठे थे। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए प्रफुल्ल पटेल से, यूपीए से, कांग्रेस से, इस देश से, इस देश के पत्रकारों से, इस देश के एक्टिविस्ट से, इस देश के तमाम उन नागरिकों से जिन्होंने उस रिपोर्ट को और नरेंद्र मोदी की बात को गंभीरता से लिया था। अगर वो ईमानदार थे तो यह आरोप झूठे थे। और मैं प्रफुल्ल पटेल जी से भी आग्रह करूंगा, हिम्मत दिखाइए, ठोक दीजिए मानहानि का दावा नरेंद्र मोदी पर, हिम्मत दिखाइए। अब तो क्या, अब तो आपके पास ये हो गया, अब तो आप साफ हो गए, अब थोड़े वापस से फाइल खुलेगी। और अगर ये आरोप सच्चे थे तो ये फाइल क्यों बंद हुई, ये केस क्यों बंद हुआ? दो ही चीजें हो सकती हैं, या सच था या झूठ था। झूठ था तो माफी मांगिए, सच था तो आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में वो क्या कर रहे हैं, फाइलें क्यों बंद हो रही हैं? ये सवाल जायज है, ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल आपके मन में है, आप पूछ पाते हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं पूछ पाते तो मन में रख लेते हैं, लेकिन ये सवाल देश का हर नागरिक पूछ रहा है। एवरी सिंगल इंडियन वॉन्ट्स टू नो द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट पीपल लाइक मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, पीपल लाइक मिस्टर अजीत पवार, पीपल लाइक मिस्टर छगन भुजबल, वर दे राइट? If the charges were right, what are they doing in your alliance? Why are their cases being closed? And if the charges were wrong, why were they wrongly accused? Please apologize, Mr. Modi. तो ये आपके सामने, ये वॉशिंग मशीन का जो हमने किया, सिर्फ ये दर्शाने के लिए किया कि एक के बाद एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, आप लोगों की पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आपकी पत्रकारिता ने इन आरोपों पर जमकर चर्चा की थी। इस देश की राजनीति का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के सीएजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश की एजेंसीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है, क्योंकि अब यह मजाक क्रूर हो गया, इट्स अ क्रूअल जोक नाउ। मतलब कोई इतनी बेशर्मी से कोई ऐसा कोई करे, कभी कभी इतिहास में इस देश ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हम आपको बेच नहीं पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे,
क्योंकि 8552 करोड़ की मशीन तो सिर्फ एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन इस वॉशिंग मशीन की बात आप लोग छापिएगा और दिखाइएगा जरूर, यह देश को जानने का हक है। और इस वॉशिंग पाउडर के विषय में भी आप जरूर लोगों को दिखाइएगा। आप सबको ये कॉपी दे रहे हैं, ये कॉपी आप संभाल के रखिएगा। ये इस लोकतंत्र में ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता था। जरूर बताइएगा, इससे अच्छी शिक्षा आप अपनी आने वाली नस्लों को नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।